कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान धर्मशाला पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस कोरोना काल के संकट में जो व्यक्ति भी आगे आकर सरकार की सहायता करना चाहता है उसका अभिनंदन है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के पास ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि इस कोरोना काल के दौरान किसी भी प्रकार की कमी को प्रदेश सरकार अस्पतालों में नहीं आने देगी। जयराम ठाकुर ने प्रदेश के लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि लोग शादियां करें लेकिन किसी भी प्रकार के आयोजन न किए जाएं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग शादियों में शिफ्टों में कर रहे हैं, एक ओर जहां कोरोना से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं वहीं कुछ लोग शादियों को शिफ्टों में आयोजित कर रहे हैं, ऐसे में एक गलत संदेश लोगों तक पहुँच रहा है। देखिए, कोविड की सिचुएशन पूरे देश में जो है हमारे लिए हम उसको देख ही रहे हैं। स्थिति तो चिंताजनक है निश्चित रूप से, लेकिन हम अपनी तैयारियों की दृष्टि से यहाँ कांगड़ा आ जाए हैं। पिछले दिनों में यहाँ मामले बहुत बड़ी संख्या में आए हैं और मृत्यु भी काफ़ी लोगों की हुई है। ऐसी स्थिति में हमारी तैयारी ठीक प्रकार से रहे, समय रहते हम सारी चीज़ों को लेकर के प्लान कर सके और हमारी सारी चीज़ों की सप्लाई चेन भी मेंटेन रहे, वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी हमारा ठीक प्रकार से चले, तो पेशेंट को बेड की कमी ना हो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ क्या क्या किया जा सकता है, इसलिए मैं खास तौर से यहाँ कांगड़ा में आया हूँ। कांगड़ा बड़ा ज़िला है, नंबर भी कोविड का यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस वक्त है और ऐसी स्थिति में जो तैयारी करने की जो जरूरत है उनको हम एग्जामिन कर रहे हैं। आरटीसी के कर्मचारियों को लंबे समय से जो है वे तनख्वाह नहीं मिल रही है जी। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल को भी यहाँ पर आपने हाँ देखा है? और प्राइवेट हॉस्पिटल को भी एक हमने विजिट किया है, उसको हमने देखा है, उसकी प्रिपरेशन चल रही है और वो भी 50 बेड की अच्छी सुविधा वहाँ पर जो है वो कोविड के पेशेंट्स को उपलब्ध कराने की स्थिति में हो रहा है। सर, कुछ कुछ और लोग भी ऑफर कर रहे हैं, आज राकेश ठानी ने अपने नर्सिंग कॉलेज को देने की बात की है, पिछले दिनों सुधीर शर्मा ने अपने घर को देने की बात, किस तरह से देख रहे हैं सर? मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, आगे आना चाहिए, ये बहुत बड़ा संकट है और इस वक्त संकट के घड़ी में जो भी व्यक्ति अपना सहयोग उसमें देना चाहता है उसका अभिनंदन है, उसका स्वागत है और ये सब ये बिल्कुल एक तरह का मैं कह सकता हूँ पुण्य का कार्य है। ऑक्सीजन सप्लाई एक मेजर कंसर्न है पूरे देश में, यहाँ क्या हाल है? अभी तक हमारे हिमाचल प्रदेश में कहीं भी ऑक्सीजन का संकट नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। आने वाले समय में भी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जो रिक्वायरमेंट हमारी रहेगी उसमें किसी भी प्रकार से कमी नहीं आने देंगे। सर, शादियों का बहुत जोर है, हालात ना बिगड़े इस बात को लेकर शादियां करें लेकिन बिल्कुल आयोजन ना करें, ये मेरा बड़ा विशेष तौर से निवेदन है, आग्रह है हाथ जोड़ करके। लोगों की जिंदगी जारी है, उसके बावजूद भी हम शादियों को शिफ्टों में कर रहे हैं, सुबह कुछ लोगों को बुला करके, दोपहर को कुछ को, शाम को, ये अच्छा संदेश नहीं है। जब पूरे देश भर में सारी व्यवस्थाओं को रोक दिया गया है और ऐसे संकट के क्षण में सब लोगों को सहयोग देने के लिए आगे आना चाहिए। शादी करने के लिए हमने रोका नहीं है, लेकिन शादियों के बड़े आयोजन के लिए हमने बिल्कुल मना किया है, उसका पालन करें, यही मेरा निवेदन है। सर, हिमाचल से बाहर से जो लोग आ रहे हैं, कई लोग जो दिक्कत बता रहे हैं क्योंकि बाहर से, तो ये जो निर्णय नहीं, वो हिमाचल के जो बाहर, हिमाचल के रहने वाले लोग जो बाहर हैं वो आएं, उनका हम किसी तरह से हम विरोध नहीं कर रहे ना ही उनको रोक रहे हैं, लेकिन सहयोग करें, मेरा उनसे विनम्र आग्रह है कि वो मदद करें। एक चीज़ में आरटीपीसीआर टेस्ट करके आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, अगर इफ एट ऑल वो सिचुएशन नहीं है तो यहाँ आ करके होम क्वारंटाइन करें, आइसोलेशन, होम आइसोलेशन में रहें कुछ वक्त के लिए, ताकि अगर कहीं उनके साथ संक्रमण आ गया तो संक्रमण आगे ना फैले। थैंक यू।